अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन आप देख रहे हैं जेड डी पाक टीवी और मैं हूं आपका होस्ट मस्कीन अहमद। नाज़रीन आज 28 मई है, यानी कि योम तकबीर है। मेरी तरफ़ से तमाम पाकिस्तानियों को योम तकबीर की मुबारकबाद। नाज़रीन आज के दिन पाकिस्तान ने पूरे 7 एटमी धमाके किए थे। नाज़रीन इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि भारत ने 1974 में ही एटम बम बनाकर पहला धमाका कर दिया था, जो कि अपने सूबा राजस्थान में किया था। इसके बाद वो अक्सर पाकिस्तान पर अपनी बरतरी ज़ाहर करता था। नाज़रीन उस वक्त के वज़ीरे आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह फ़ैसला किया कि हम भी एटम बम बनाएंगे, इसलिए उन्होंने एटमी प्लांट ख़रीदने का फ़ैसला किया और फ्रांस के साथ ये मुआहदा तय कर लिया कि वो उनसे एटमी प्लांट ख़रीदेंगे, जिसका ये रेट भी तय पा गया, जो कि उस वक़्त 40 करोड़ डॉलर में तय हुआ था और उनको पहली किस्त 10 करोड़ डॉलर अदा करनी थी। लेकिन अमेरिका, रूस वगैरह ने फ्रांस पर दबाव डाला कि पाकिस्तान को एटमी प्लांट ना फरोख्त करे, और उसने वो किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया और हमें एटमी प्लांट देने से इनकार कर दिया। नाज़रीन इसके बाद पाकिस्तान इस एटमी प्रोग्राम पर वर्क करता रहा, जो कि जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में भी होता रहा, और 1999 को ये ऐलान कर दिया पाकिस्तान ने कि हमने एटम बम बना लिया है। इसके बाद पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई गईं, पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरफ के दबाव डाले गए, लेकिन वक्त गुज़रता रहा। इस तरह वक्त गुज़रते गुज़रते 1998 आ गया। नाज़रीन इसके बाद पाकिस्तान पर काफ़ी मुल्कों की तरफ से दबाव आया कि आपने एटमी बम क्यों बनाया है, एटमी ताकत क्यों बने हैं, और कुछ पाबंदियाँ भी लगाईं, लेकिन वक्त गुज़रता रहा, कभी पाबंदियाँ लग गईं, कभी ख़त्म हो गईं। इसी तरह करते करते 1998 आ गया। 11 मई 1998 को भारत ने 5 और एटमी धमाके कर दिए। इसके बाद उस वक़्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ और डॉक्टर कदीर खान, इस पर कौम की पूरी नज़रें लग गई, पूरी कौम की तरफ से यही दबाव आया कि आप भी एटमी धमाके करें। लेकिन अमेरिका वगैरह की तरफ से बार बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दबाव डालता रहा कि आप एटमी धमाके ना करें। लेकिन 28 मई यानी कि आज के दिन पाकिस्तानियों ने जब शाम को नवाज शरीफ का खिताब सुना, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने आज के दिन पूरे 7 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को अजीम मुल्क और एटमी ताकत बना दिया है। नाज़रीन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने, तो पूरा पाकिस्तान तकबीर के नारों से गूंज उठा, इसीलिए इसका नाम योम तकबीर रखा गया। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इस तरह की जुर्रत और बहादुरी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।